हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रोमाटोन एप्लीकेशन में जब भी आपको कोई कस्टम कैरेक्टर ऐड करते हो तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले क्रोमाटोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। क्रोमाटोन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमें कोई कैरेक्टर, कस्टम कैरेक्टर ऐड करना है तो यहाँ पे जाएंगे, कोई भी एक कैरेक्टर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इम्पोर्ट कस्टम पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम ड्राइव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे ही कैरेक्टर, कस्टम कैरेक्टर मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए चले जाना है आपको प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है पिक्सल लैब, और इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं प्लस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लेना है। और वो कैरेक्टर को आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस कैरेक्टर को साथ आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं एक कैरेक्टर यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक कैरेक्टर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसको यहाँ से स्क्रैच करके फुल स्क्रीन में कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इधर स्क्रॉल करके आपको इरेज कलर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक पेंसिल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके में ब्लैक आ रहा है तो ब्लैक को सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको ओके कर देना है। अब यहाँ से हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ से इसको हम सेव कर देते हैं। तो सेव एज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से सेव टू गैलरी कर देना है। अब चलिए हम क्रोमाटोन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं हमने जो कैरेक्टर को एडिट किया है वो हमारा अब सही से एड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्रोमाटोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कैरेक्टर पे जाते हैं और यहाँ से हम जिसमें एक कैरेक्टर को कस्टम कैरेक्टर को ऐड करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो अभी अभी कैरेक्टर को एडिट किया है तो वो सबसे ऊपर में सबसे पहले पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो इस पर क्लिक करके हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर को एडिट किया है तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले सही नहीं आ रहा था, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपने क्रोमाटोन एप्लीकेशन में कोई भी कैरेक्टर अगर डाउनलोड करते हैं उसमें अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं।